रियल इंसिडेंट है वो हमें अंकुश ने भेजा है। अंकुश के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है। जब छुट्टियां पड़ती हैं मामा के जाते हैं नाना के जाते हैं और कभी कभार अपने आप दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे प्लान बना लेते हैं जैसे नहर में नाना किसी वाटर पार्क में जाना किसी सुनसान गली में कोई पगने लेना चैलेंज ले लेना शमशान के पास चले जाना। अंकुश के साथ भी 2004 में ऐसे ही कुछ हुआ था। इनके 2-3 दोस्त थे जो इन्हीं के साथ ऐसी चीजों में फंस गए थे। अंकुश वाजपेयी प्रोफेशन से ये एक न्यूज एंकर रहे हैं और अभी भी इसी फील्ड में है। अंकुश ने बताया कि अभी तो उनकी एज काफी हो गई है लेकिन 2004 में जब वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास करके निकले थे उनकी उम्र 16 साल थी। गांव के दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कितने शरारती होते हैं। अंकुश ने बताया कि उनके 2 दोस्त थे बहुत ही खास आनंद और लोकेश। लोकेश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि वो 8वीं के बाद पढ़ना ही नहीं चाहते थे। अच्छी खासी जमीन थी लोकेश की तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 10वीं के बाद कुछ नए प्लान्स बनने थे लेकिन गर्मियों की छुट्टियों का हाल तो आप जानते ही हैं जहाँ पर हर बच्चा यही सोचता है कि यार मैं कैसे टाइम निकालूं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे रह सकूं। अंकुश ने बताया कि भाई जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ 2004 में वहाँ पर नाइट बहुत ज्यादा जाया करती थी तो हम 4-5 दोस्त घर से चारपाई लाते थे और एक थिया बनाते थे जैसे राम मंदिर इनके यहाँ पे था उसके बाहर पीपल का पेड़ था जिसकी हवाएं बहुत अच्छी आती थी उसी राम मंदिर के पास ये लोग चारपाई लगा के सोया करते थे। ज्यादातर तो लोग थे वो अपनी छत पे सोते थे कुछ लोग अपने घर के बाहर चारपाई लगा के सोते थे क्योंकि इनका जो गाँव था वो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलपमेंट में था कच्ची रोड थी तो कहीं पे कुछ भी होना जाना आसान नहीं था मतलब वहाँ पर क्राइम बहुत ज्यादा कम था। लेकिन 2004 में अंकुश ने बताया कि उनके और उनके दोस्तों के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे वो आज तक इतने बड़े होने के बाद भी डिस्कस करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अंकुश ने बताया कि भाई गर्मियों का हमारा प्लान क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। हमारे गाँव के बाहर एक नहर लगा करती थी जो घासों के बीच में से आती है नहर आपने भी देखी होगी। इनका हमेशा यही प्लान बनता था जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी ये 4-5 दोस्त आपस में नहा धोके घर से निकलते थे राम मंदिर के चौतरे पर बैठा करते थे और आपस में यही डिस्कस करते थे कि आज का दिन कैसे निकलेगा। इतनी भारी गर्मी जहाँ पर 42-43 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था धूप बिल्कुल इनके सर पे आती थी तब एक ही चीज इन्हें ध्यान आती थी यार गांव के बाहर जो नहर है उसमें नहाने चलते हैं। अंकुश ने बताया कि भाई हर बार हम उस नहर में नहाने जाते थे हर साल हमारा यही प्लान होता था लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी शरारतें और ज्यादा बढ़ती थी हमें तैरना आता था तो हम साइकिल उठा के उस नहर के पास जाते थे लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस इनको मौत के मुंह में डाल देगा इन्होंने कभी सोचा नहीं था। एक ऐसा ही दिन था जब ये दोस्त आपस में बैठते हैं राम मंदिर के बाहर और प्लान बनाते हैं यार आज क्या करें तो नहर की तरफ ध्यान जाता है और ये लोग नहर के पास पहुंच जाते हैं। अंकुश ने बताया कि भाई हम चारों दोस्त नहर में नहा रहे थे अंकुश लोकेश आनंद और एक दोस्त और थे। नहाते नहाते अंकुश की अचानक नजर पड़ती है कि पानी के बीचों बीच एक लड़का ऊपर उठता है वो अपने बाल ठीक करता है और सीधा नहर से बाहर जाने लग जाते हैं। अंकुश ने ऑब्जर्व किया कि हम 30 मिनट से कम पानी के ऊपर हैं मतलब किसी ने भी डुबकी नहीं मारी और ये अचानक से लड़का कहाँ से आया। अंकुश ने मानना था कि इस टाइम पर इस लड़के का आना दूर दूर तक नहीं बनता क्योंकि इसने कब पानी के अंदर डुबकी मारी है कब चल के आया ये अंकुश ने नहीं देखा था। खैर अंकुश ने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो लोग नहाए वगैरह और फटाफट साइकिल उठा के अपने घर की ओर आ गए। ये लोग जैसे मैंने बताया इसी तरीके से सोते थे चारपाई लगा के। रात को अंकुश के दिमाग में यही सब चीजें चल रही थी यार वो लड़का कौन था लेकिन अंकुश ने फिर भी नहीं बताया। अब हुआ कि अंकुश ने बताया कि अक्षय भाई जब हम रात को सोते थे 4-5 लड़के एक साथ तो जैसे आपने देखा ना कि गांव में ठेले लगते थे कुछ रेहड़ियां निकलती थी जिनके ऊपर गोला बिकता था कुछ फलूदा बिकता था जैसे आज के टाइम पे भी बिकता है। अंकुश ने बताया 2004 में एक रात वहां पर भी एक ठेला लगता था तो भैया बेच के गांव से रात को अपने घर पे आते थे कभी उन्हें आने में 12:30 बज जाते थे कभी 1:15 बज जाते थे तो रात को जब वो भैया आते थे अपने साथ कुछ बचा हुआ सामान लेके आते थे तो ये लड़के उनसे वो सामान ले लेते थे और पैसे वैसे उस टाइम पर लेन देन नहीं होता था क्योंकि ये बच्चे थे और बचा कुचा कुछ छोटा हुआ करता था जो अंकुश और उनके दोस्त वहां पर जो बर्फ का गोला होते शरबत के साथ वो चूसते थे पीते थे। अब ऐसा ही चलता रहा उस रात अंकुश के दिमाग में ये चीजें चलती रही लेकिन उसने अपने दोस्तों से ये चीजें डिस्कस नहीं की। अगले दिन फिर दोबारा इनका नहर पर जाने का प्लान बनता है साइकिल उठाते हैं और ये फिर नहर के पास पहुंच जाते हैं। अब अंकुश के दिमाग में यही चीज चल रही थी कि क्या आज वो लड़का हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। अंकुश ने बताया कि भाई वैसे ही जैसे हम 3-4 दोस्त नहा रहे थे नहर में तैर रहे थे अचानक से वो लड़का फिर दोबारा बीच में से अपने आप निकल के आ गया और इस बार अंकुश ने अपने दोस्तों को बोला यार तुम लोगों ने इस बंदे को पहले कभी देखा है तो वो जो दोस्त है वो बोलते नहीं देखा तो नहीं हो रही हमारे गांव का भी नहीं लग रहा। तो अंकुश ने बोला कि यार ये अचानक से पानी के बीच में से निकल के आता है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ आता है क्या आता है क्या नहीं आता। अंकुश जब तक बात कर रहा था इस बारे में वो लड़का नहर से निकलता है और नीम के पेड़ के पास जाके बैठ जाते हैं और वो जो अंकुश के दोस्त है वो अंकुश का मजाक बना देते हैं कि तू पागल है क्या तेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई तू पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है ऐसा कुछ भी नहीं है होगा आसपास का कोई। तो अंकुश के दोस्त उसे बताते हैं कि थोड़ी ही दूरी पर एक फैक्ट्री है जहाँ पर रुई बनती है ये मजदूर लग रहे हैं वहीं से आया होगा लंच टाइम में नहर वहर में अपना थोड़ा सा बॉडी मेंटेन कर रहा होगा शरीर को थोड़ा ठंडक दे रहा होगा तो इतना मत सोच आराम से नहा ले। फिर ये दोबारा नहाने लगते हैं लेकिन जब अंकुश एक डुबकी मार के उनकी तरफ देखता है वो जो लड़का वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठा था वो वहां से गायब हो चुका था और अंकुश बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। अंकुश ने अपने दोस्तों को बोला कि तुम लोगों ने देखा वो लड़का गायब हो गया। उनके दोस्तों ने फिर मजाक बना दिया कि भाई तू उसी को देखता रहे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं तू एक काम कर बैठ और उसको आराम से देखता रहे। अंकुश के दिमाग में ये सारी चीजें चली रही थी लेकिन फिर भी वो टॉपिक वहीं पर टल गया। अब अंकुश ने बताया कि अक्षय भाई जब उस दिन हम नहर से निकल के आ रहे थे अपनी अपनी साइकिल पे आप बिलीव नहीं करोगे इतनी तेज बवंडर बना जैसे किसी का गुस्सा हमारे ऊपर अचानक से आया। अंकुश ने बताया कि मैं और मेरे दोस्त साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इतनी तेज हवा का बवंडर था जैसे हमें अपने साथ उड़ा के ले जाएगा। बड़ी मुश्किल से कच्चे रोड पर चलते चलते ये लोग अपने घर पहुंचे पूरे मिट्टी में हो गए थे इनको दोबारा नहाना पड़ा। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हम ना घर पे ऐसी चीजें बताते नहीं थे क्योंकि घर वालों को लगता था कि नहर ठीक नहीं है और नहर पर जाना ठीक नहीं है इस टाइम पर और दोपहर में तो बिल्कुल नहर पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस टाइम पर तो पानी होता है वो गर्म ठंडा होता है जिससे बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं आप बीमार भी हो सकते हो गर्म सर से।
तो ये लोग घर पे आए और अंकुश के दिमाग में सारी चीजें चली रही थी। तो रात को जब ये एक साथ सो रहे थे चारपाई पे, तो अंकुश के दिमाग में यही चीजें चल रही थी कि वो लड़का कौन था, कहां से आया। तो अचानक से वो जो भैया थे जो गोले का काम करते थे बर्फ वाले, वो आते और उनके आने का पता कैसे चलता था कि 2004 में वो अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर लेके चलते थे, क्योंकि लाइट तो उस टाइम पर हुआ नहीं करती थी। तो ये लड़कों को पता चल जाता था कि बर्फ वाले भैया आ गए। उन्हें एक की बात है, आज वो थोड़ा सा लेट आए थे, तो ये लड़के उनके पास पहुंचते हैं। तो भैया बताते हैं कि आज तो मेरे पास थोड़ा सा माल कम है, तो दो ही गोले बन पाए थे, डेली वैसे चार बन जाते थे। तो जब ये लोग गोला लेके वापस आ रहे थे तो अंकुश ने वो टॉपिक छेड़ दिया उसी लड़के का कि भाई मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता, अचानक से पानी में से निकल आता, अपने गांव का भी नहीं है, नीम के पेड़ के पास जाके बैठते और अचानक से गायब हो जाते हैं। तो इनमें जो लोकेश थे जिन्होंने आठवीं में पढ़ाई छोड़ दी थी, वो थोड़े दबंग किस्म के इंसान थे, वो अंकुश को बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, कल जब हम वहाँ पे चलेंगे तो मैं उस लड़के से पूछ लूंगा, तेरा दिमाग का वहम बिल्कुल शांत हो जाएगा। इनकी रात निकली कैसे ना कैसे, ये लोग अपने घर गए। और तीसरा दिन था जब ये लोग दोबारा प्लान करते हैं कि हम नहर की ओर जाएंगे। ये लोग साइकिल उठाते हैं, नहर के पास पहुंचते हैं। जब ये तीनों चारों नहा रहे थे अचानक से वो लड़का फिर दोबारा पानी के बीच में से अजीब तरीके से ऊपर आया और एकदम से नीम के पेड़ की तरफ जाने लगा। तो अंकुश ने लोकेश को बोला कि देख क्या आ गया, और लोकेश ने पीछे से आवाज मारी कि ओए सुन रहा है, इधर आओ, कहां से है तू, तो सुन रहा है। उस लड़के ने इनकी तरफ देखा ही नहीं और वो सीधा जाके नीम के पास खड़ा हो गया। ये तीनों चारों बाहर निकले और लोकेश उस टाइम पर काफी गुस्से में था, क्योंकि वो पीछे से आवाज मार रहा था। और लोकेश का जो खेत था वो हाईवे के पास था, तो उसे इस चीज से डर था कि उनकी मक्के की खेती है और गेहूं की खेती है, तो ये आदमी कहीं उनकी गेहूं चुराने तो नहीं आया, मक्के चुराने तो नहीं आया। लोकेश सीधा जाता है और उस लड़के का गला पकड़ लेता है। गला पकड़ने के बाद वहां पर अंकुश देखता है कि यार ये तो बात बहुत ज्यादा बढ़ने को हो रही है। अंकुश एकदम से गला छुड़वाते हैं और लोकेश को बोलते हैं कि भाई लड़ मत। अब यहाँ पर अंकुश ने मुझे एक बात बताई कि अक्षय भाई मैंने ना उस टाइम पर एक नया नया फोन आया था 3311 नोकिया का, वो मैंने लिया था और एक सिम ली थी एयरटेल की कुछ ही दिन पहले, हवाबाजी के लिए ली थी। अंकुश ने बताया कि उस टाइम पर प्लान्स बहुत ज्यादा महंगे होते थे, इनकमिंग के भी पैसे देने पड़ते थे, अप्रॉक्सिमेटली 200-250-300 रुपए देने पड़ते थे। तो अगर हम मान के चलते कि 200 रुपए का अगर इनकमिंग का रिचार्ज कराया तो 150 रुपए इनकमिंग के कटते थे और 50 रुपए बैलेंस मिलता था। अंकुश ने बताया कि भाई मेरे पास फोन तो था पर मेरे पास एक रुपया भी नहीं था बैलेंस के तौर पर। तो जब ये लोग वहां पहुंचे लोकेश ने उस बंदे का गला पकड़ा, अंकुश ने जब गला छुड़वाया तो लोकेश ने उसके गले पे से जब हाथ हटाया तो उसके गले पे से ऐसे स्किन गिलगिली सी ऐसी हो रखी थी जैसे चिकन बहुत ज्यादा ओवर हीट हो जाता है तो उसके बाद जैसे गल नहीं जाता वैसा हो रखा था। अंकुश ने बताया कि भाई मैंने लोकेश को गला छुड़वाया और लोकेश ने अपने हाथ को देखा ऐसे गिलगिला सा और अचानक से उस लड़के से बोला कि तू है कहां का भाई, कहां से आता है तू, किस गांव का है तू। वो लड़का ना तो आओ देखता ना ताओ देखता ना किसी बात का जवाब देता और सीधा अंकुश को बोलता है कि आपके पास फोन है ना। अंकुश बोलता है मेरे पास कोई फोन नहीं है। वो बोलता है नहीं मैंने देखा आपके पास फोन है। अंकुश बोलता है हां है। तो वो लड़का बोलता है कि क्या मेरे घर पे आप एक बार फोन मिला दोगे। तो अंकुश बोलता है कि मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। तो वो लड़का जो था वहां पर खड़ा खड़ा वो बोलता है कि आप फोन मिलाओ फोन मिल जाएगा। अंकुश बोलता है भाई जीरो बैलेंस है फोन नहीं मिल पाएगा। वो लड़का बोलता है फोन मिलाओ। तो अंकुश फोन निकालता है उसके दिए गए नंबर पर कॉल करता है और वो नंबर सीधा मिलता है राजस्थान के किसी पीसीओ में, जो पहले पीसीओ येलो कलर के बॉक्स रखे होते थे आपने देखा होगा, वहां पर कोई औरत फोन उठाती है तो ये पीछे से बोलता है कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, आप इन्हें बोलिए कि मैं यहाँ पर हूँ खार गाँव में। अंकुश बताते हैं कि यहाँ पर एक इंसान है दिखने में ऐसा है, उसका नाम भी बताते हैं, उनको अभी नाम याद नहीं था। और उधर से वो जो महिला है वो बोलती है कि बेटा ये तो 15 दिन से लापता है। तो ये बोलते हैं कि ये लड़का तो यहीं पे है और डेली हमें मिलते हैं और ये लड़का आपको यहीं मिल जाएगा, आप इसे आके ले जाना। अब हुआ क्या, ये लोग ये सारी बातचीत करके अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि यार वो शायद लड़का बड़ा डिप्रेशन में था, वहां से वापस आ गया, शायद राजस्थान से यहाँ पर नौकरी कर रहा होगा फैक्ट्री में, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। अब हुआ क्या, 2-3 दिन तक इनका उस नहर पर जाना नहीं हुआ। 3 दिन बाद ये लोग फिर दोबारा आपस में मिलते हैं और फिर जब नहर की ओर जाते हैं तो इस बार नहर को एक चौकीदार वहां पर बैठ के देख रहा था, जैसे किसी चौकीदार को वहां पर बैठाया हो कि नहर में किसी को जाने मत देना। तो जब ये नहर के पास पहुंचते हैं तीनों चारों लड़के नहर में कूदने की तैयारी करते हैं, तभी चौकीदार बोलता है कहां जा रहे हो तुम, कहां, तो बोलते नहर में नहाने के लिए। बोलता है तुम्हें नहीं पता नहर में जाना मना है। तो ये सोचते नहर में जाना मना है, ये बोलता 3 दिन पहले तो हम नहर में गए थे और 3-4 दिन हम तैरे भी थे, इसमें क्या दिक्कत है। तो वो जो चौकीदार वहां पर था वहां पर इन्हें एक ऐसी बात बताते हैं जिसको सुनने के बाद इनके तोते उड़ जाते हैं लिटरली। वो चौकीदार बोलते हैं कि 7-8 दिन पहले यहाँ पर एक लाश मिली थी, अभी 3 दिन पहले उस लाश की कार्रवाई हुई है, तो मैं नहीं पता इस नहर में जाने को मना करा हुआ है। और ये बोलते हैं कि कौन सी लाश, कैसी लाश, कौन था, कौन डूबा, कब डूबा, हमारे सामने तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो वो चौकीदार बताता है कि राजस्थान का एक लड़का था जो वहां से भागा था, लापता था, उसको कोई बीमारी थी दिमागी और 4-5 दिन पहले उसने जाके हाईवे की वो जो ब्रिज था वहां पर उसने इस नहर में कूद के जान दे दी थी और वो राजस्थान का था। भाई इन लोगों ने ये चीज सुनी, इनके पैर जम गए, इनके रोंगटे खड़े हो गए बुरी तरीके से कि फिर ये किसको पकड़ा, किससे बात करवाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं समझ नहीं आया। ये आपस में एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि भाई घर चलते हैं, घर चलने का टाइम हो गया। अब अंकुश ने बताया कि अक्षय भाई हमने अपनी साइकिल उठाई, वो चौकीदार बस हमें यूं ही देखता रहा, हम जब वापस आ रहे थे तो लेफ्ट वाले खेत में वही लड़का, वो राजस्थान से जो लापता लड़का था, वो वहां पे खड़ा था, हमें बाय कर रहा था और बोल रहा था भाई शुक्रिया तुम लोगों ने मेरे घर वालों को बता दिया, उन्होंने मेरी लाश बरामद कर ली, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। आप खुद इस सिचुएशन को समझो कि आपको पता है वो इंसान कौन है, वो इस दुनिया का नहीं है और वो खड़ा होकर आपको आवाज लगा रहा है। चारों लोग देख रहे थे, ये चारों अपने घर आए, बहुत ज्यादा डरे हुए थे, एक साथ सोने के लिए ये लोग आए। पर अंकुश ने बोला भाई आज रात हमें पता था हमें नींद नहीं आने वाली, तो हमने 4-5 लोगों को और बुला लिया अपने साथ किसी बहाने से कि रात को हम बात करेंगे मस्ती करेंगे। उस रात ये लोग नहीं सोए। उसके बाद क्या हुआ, इनकी बाहर सोने की हिम्मत ही नहीं हुई। अंकुश ने बताया कि भाई सारे अपने अपने घर सोने लगे लेकिन लोकेश एक हफ्ते तक नहीं दिखा।
तो जब अंकुश को लोकेश की हालत के बारे में पता चला, अंकुश सीधा उसके घर गया और सीधा उसके घर वालों को सब कुछ बता दिया। लोकेश के पापा ने ये सारी चीज़ें सुनी और उन्होंने सेकंड नहीं लगाया समझने में कि अंकुश बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस हाईवे पे से ये पूरा हादसा हुआ था, जिस लड़के ने वहाँ से पूरा ये इंसिडेंट हुआ था जंप करने का उस नहर के अंदर, वो हाईवे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड था। वो लड़का राजस्थान से किस काम से निकला पता नहीं, घर वालों से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा मानसिक संतुलन उस लड़के का बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं वो उस हाईवे पे आया और उसने ये पूरा इंसिडेंट कर दिया, जिसकी वजह से उस हाईवे पे पहले ही ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहर ऑलरेडी हॉन्टेड हो चुकी है, जिसकी वजह से लोकेश के पापा और इनके घर वाले जितने भी थे लड़कों के मना करते थे कि दोपहर में नहर में मत जाना या फिर उस नहर के पास जाने मत, क्योंकि उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये लड़के अपनी मौज मस्ती के लिए वहाँ नहर में जाया करते थे और इतना बड़ा हादसा इनके ऊपर हो चुका था, जहाँ पर लोकेश मैंने बताया बैक टू बैक स्लीप पैरालिसिस के अटैक उन पे हो रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी स्किन गल रही थी, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी लोकेश की, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा था। और इसी दौरान कहीं ना कहीं आनंद और दूसरे लोग जो थे आपस में मिलना बंद कर चुके थे, क्योंकि इन लड़कों में डर का माहौल इतना ज्यादा छा चुका था। जब लोकेश के पापा ने ये सारी चीजें सुनी तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा अपने कॉन्टैक्ट्स निकाले और एक मौलवी को घर पर बुलाया। मौलवी जैसे घर पर आए तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर तो एक जलपिशाच है, तो लोकेश के पापा बोले जलपिशाच? मौलवी ने बोला हाँ, उस नहर में किसी ने अपने आप को समर्पित कर दिया जो वहां पर भटक रही थी चीज, और इन लड़कों ने कहीं ना कहीं उससे पंगे ले लिए, जो लोकेश था इसने गर्दन पकड़ी उसकी और वो पहले ही इस दुनिया का नहीं था, तो वो नजर गाड़ के बैठा हुआ, उसे दो इंसानों की बलि चाहिए, पहला तो है आपका लड़का और दूसरा है आनंद। ये सुनने के बाद सबको इतना बुरा धक्का लगा कि लोकेश तो लोकेश, आनंद भी कैसे ना कैसे इस चीज़ के अंदर आ गया। कहीं ना कहीं ये चीज़ भाप गई थी कि आनंद जो है वो भी बहुत डरा हुआ, उसको बहुत आसानी से लपेटे में लिया जा चुका है। तो मौलवी बोले कि इसका जैसे हाथ पैर गलने वाली चीज़ है, गर्दन गलने वाली चीज़ है, एक बार आनंद का भी पता करो, आनंद पक्का इन चीज़ों से जूझ रहा होगा। लोकेश के पापा और जो अंकुश थे वो आनंद के जब तक घर पहुंचे तो पता चला आनंद के पैर गल रहे थे काफी टाइम से, लेकिन उन्हें लगा कोई बीमारी है, तो उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं करा। आनंद को अपने साथ ये लोग जो है बाइक पे लेके आए और बाइक पे लाने के बाद जो है इन दोनों का उतारा करवाया गया, जहाँ पर दो लोगों की बलि जानी ही जानी थी, क्योंकि वो लड़का बेशक उसकी बॉडी मिल गई घर वालों को, लेकिन वो लड़का उस नहर में ही कैद होकर आ गया था। और आते टाइम वो लड़का इन्हें दिखा भी था और बोला भी था कि मैं तुमसे फिर दोबारा मिलूंगा, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये चीज़ें चल रही थी। अब बात आती है हॉन्टेड हाईवे की, तो वो जो हाईवे है जिस थार गांव की हम बात कर रहे हैं, वो हाईवे लोकेश के पापा ने बताया कि वो इतना ज़्यादा हॉन्टेड है, वहाँ पर होता क्या है, जब लोग वहाँ से उस हाईवे पे से आ रहे होते हैं रात के 1:30 बजे, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई ना कोई बैलगाड़ी आ गई है, अगर वो लोग रोक लेंगे तो भी उनको वहाँ पर खत्म होना पड़ेगा, और अगर वो उस बैलगाड़ी के ऊपर से चढ़ा देंगे मतलब किसी से बहुत बुरी टक्कर हो गई। तो वहाँ पर हाईवे पर कोई छलावा चलता है। अब वो क्या है उस इंसिडेंट को मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अंकुश से बहुत सारी चीज़ें पूछनी पड़ेंगी, उनका पास छानना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों का उतारा करा गया, जो लोकेश और आनंद थे काफ़ी उतारे में टाइम लगा, और जो लड़के की आत्मा थी दोनों के शरीर में से उन्हें दूर करा गया, घरों को बांधा गया, कीले लगवाई गई, धागे दिए गए, कहीं ना कहीं पूजा पाठ हुआ, गांव में हवन हुआ, और उसके बाद ये लोग वहाँ पर कभी नहर पे नहीं गए। अंकुश ने बताया कि भाई हम क्या कोई गांव का बच्चा नहर की तरफ नहीं जाता था, बाद में ऐसा हुआ कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती थी नहर में, जैसे कि आप जानते हो कोई ना कोई तो डूबता ही है, लेकिन ये लोग जो थे बिल्कुल सेफ थे। उसके बाद 2000 के बाद 2005 में जो अंकुश थे वो भोपाल शिफ्ट हो गए थे, और अभी भी अंकुश ने यही बताया कि भाई मैं जब इतना बड़ा हो गया अपने दोस्तों से मिलने गया तो दोस्तों में आपस में यही बात चल रही थी कि एक बार नहर की गेड़ी मार के आए क्या। खैर अगर गांव के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कमेंट में बता देंगे कि किन किन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं दोपहर के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जितना मैंने सुना था कि शमशान के पास तो बिल्कुल दोपहर के टाइम पे नहीं जाना चाहिए, या नहर के पास अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और जब आपको पता चल गया यहाँ पर कोई ऊंच नीच हो रही है तो भाई हाथ जोड़ लो, अपने घर वालों को बता दो। और आज की जो जनरेशन है ना उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कहीं पर अगर आपको कुछ लग रहा है ना आपके साथ कुछ हो रहा है, सबसे पहले अपने घर वालों को बताओ, उस चीज़ को छोड़ो मत, चाहे आपका वहम ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से पता करवा लेंगे कि आपका वहम है या नहीं है, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे जो अपने घर पे सब कुछ बताते, इवन जब वो कहीं से मूवी देख के भी आ रहे होते हैं उनका पैर कहीं लग जाता है वो तब भी बता देते हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ की कोई ना कोई इलाज हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो हर चीज़ अपने घर से छुपाते हैं उनको भाई कोई नहीं बचा सकता। आखिरी मैं कुछ ने बताया जब मेरी उनसे कॉल पे बात हुई कि अक्षय मैं होके आया था अभी होली के टाइम पे, तो गांव में सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है, अब दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए कहीं ना कहीं, अब आपके अवेयर होने की बारी आ गई।